हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये फेस्टिवल मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही आसानी से कर लिया था, तो चलिए देख लेते हैं। और आज ये जो मेकअप लुक आप देख रहे हैं, मैंने किया है मरून गोल्डन ग्लिटरी आई मेकअप लुक किया है। तो बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है, तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और इस मेकअप लुक को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन या पार्टी में या फेस्टिवल में कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस लुक को कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ निविया लाइट मॉइस्चराइज़र की हेल्प से, क्योंकि मॉइस्चराइज़र गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपका एक स्मूथ सा बेस रेडी हो जाता है मेकअप के लिए और पैची भी नहीं लगता है। अगर आपकी ड्राई स्किन होगी और मॉइस्चराइज़र नहीं लगा होगा तो आपका मेकअप जो है वो बेकार दिखने लगता है। अब मैं यहाँ पर ये जो मेकअप लुक करने जा रही हूँ, तो मैंने किया ये पैनकेक की हेल्प से। और ये कलर्स क्वीन का पैनकेक है। इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आपने बहुत पसंद किया उस वीडियो को। तो मैं एक वेट स्पॉन्ज की हेल्प से टैप टैप करते हुए इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पैनकेक को। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर, और ये कलर कलेक्टर भी है। तो इस तरीके से मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी और अपने डार्क सर्कल पर भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल है और जो भी पिगमेंटेशन है मेरी आईज़ पर वो हाइड हो जाए। तो काफ़ी अच्छा कलर करेक्टर है ये भी। तो मैं फिंगर की हेल्प से, देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अब कंसीलर को अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मैंने कंसीलर लगा लिया है अच्छे से, इसे ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं एक बार और ये पैनकेक अपनी आईज़ पर लगा लूँगी, ताकि मेरा जो कंसीलर है अच्छे से सेट हो जाए और मेरा ये एरिया भी ज़्यादा हाईलाइट लगे। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी। अब मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा जस्ट सेट कर लूँगी कंसीलर को। ये देखिए पूरे फेस पर मैंने अप्लाई कर लिया है, और कंसीलर भी सेट हो जाएगा और मेरा पैनकेक भी सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कॉम करूँगी, उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी इसी पेंसिल की हेल्प से। ये ब्राउन कलर की पेंसिल है और काफ़ी अच्छी पेंसिल है, काफ़ी नेचुरल दिखती है आपकी आईब्रोज़ पर। और आईब्रोज़ को फिल करना भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी आईब्रोज़ बेकार दिखने लगती हैं और आपका आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। अगेन मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इस कंसीलर को मैं अपनी आईब्रोज़ पर इस तरीके से लगा लूँगी, ताकि मैं अपनी आईब्रोज़ को और ज़्यादा डिफाइन कर सकूँ इस तरीके से। इससे आपकी आईब्रोज और ज़्यादा डिफाइन लगती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखती है। और नीचे की तरफ करते हुए आपने इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हुडा ब्यूटी ऑब्सेशन पैलेट से लाइट बेबी पिंक कलर का शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि मुझे अच्छे से मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। और गाइस मैं आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए अब मैं ये कंसीलर अपनी आईलिड पर लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपने क्रीज लाइन पर नहीं लगाना है, सिर्फ आईलिड पर लगाना है। अच्छे से इस कंसीलर को लगा लीजिए। मैं यहाँ पर कंसीलर इसलिए लगा रही हूँ गाइस, ताकि जो मैं इसके बाद शेड लगाऊँ वो शेड और ज़्यादा उभर कर आए और जो भी मैं ग्लिटर अप्लाई करूँ वो अच्छे से स्टिक हो जाए मेरी आईज़ पर। अब मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से रेड कलर का शेड ले लूँगी और अब मैं इस रेड कलर के शेड को अपनी सेंटर आईलिड पर लगाऊँगी। पूरी पर नहीं लगा रही हूँ मैं, जस्ट आगे की तरफ थोड़ा सा और सेंटर में लगा रही हूँ। अब मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लूँगी और आउटर वी पर लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रही हैं। अब मैं ये बर्गंडी कलर का शेड लूँगी और उसी रेड कलर के शेड पर एक बार और अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से इसे मिक्स कर ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मेरा जो कलर है वो अच्छे से मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाए आई शेडो का कलर। और अब मैं इसी पिंक कलर के शेड को एक बार और अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी इस तरीके से, ताकि मेरी क्रीज लाइन जो है और अच्छे से नज़र आए। देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने ग्लिटर को अप्लाई कर लूँगी और ग्लिटर मैं एक अलग तरीके से लगाने जा रही हूँ। ये देखिए ये वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर आई शेडो पैलेट है, इसकी हेल्प से मैंने ये ग्लिटर लगाए हैं गाइस, क्योंकि मेरे पास ग्लिटर जेल नहीं थी, मेरे पास ग्लिटर ग्लू नहीं थी। तो मैंने यहाँ से पिंक कलर का शेड अपनी फिंगर पर लगाया है, उसके बाद मैंने ये मरून कलर के ग्लिटर अप्लाई किए हैं। देन मैं उसके बाद लगा रही हूँ यहाँ पर गोल्डन कलर की ग्लिटर, कुछ इसी तरीके से लगा रही हूँ। पहले मैंने जो पिंक कलर की जो आप देख सकते हैं जेल थी वो अपने फिंगर पर लगाई है, उसके बाद मैंने गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किए हैं। अब मैं वही सेम स्टेप लोअर लैश लाइन के लिए भी फॉलो करूंगी जो मैंने ऊपर की तरफ किए थे। जो मैंने क्रीज लाइन पर अपने कलर लगाया था वही मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर, और आप चाहें तो विंग्ड आईलाइनर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो स्मॉल आईलाइनर भी लगा सकते हैं या सिंपल आईलाइनर, जैसा भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर स्मॉल विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप जैसा देख सकते हैं।
इस तरीके से विंग्ड भी बहुत अच्छा बनता है अगर आप टेप लगाकर इस तरीके से मेकअप करते हैं, विंग्ड आईलाइनर भी बहुत अच्छा बनता है। और अब मैं लगा रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। आप चाहें तो फॉल्स लैशेज भी वेयर कर सकते हैं, लगा सकते हैं आप फॉल्स लैशेज भी, मैं यहाँ पर फॉल्स लैशेज लगाऊंगी, और नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इस लुक को, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। तो ऑफ कैमरा मैंने अपनी फॉल्स लैशेज यहाँ पर लगा लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये टेप जो है उतार दी है, और अब मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी इस कंटूर स्टिक की हेल्प से। सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी ब्लश, और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर, शिवाना शुपर ब्रिक्स हाइलाइटर लगा लूँगी मैं। और इस मेकअप लुक को गाइस नई दुल्हन भी कर सकती है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मेकअप लुक को करने में। अब मैं अपने लिप्स को फिल करूँगी इस मरून कलर के लिप लाइनर से। आप चाहें तो न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं इसके साथ अगर आपको न्यूड लिप्स पसंद है। मैं यहाँ पर डार्क मैरून कलर का शेड लगा रही हूँ, मुझे ये इस तरीके के पसंद है, तो मैं इस तरीके से, ये डार्क मैरून कलर का शेड है, ये लिक्विड लिपस्टिक है किस ब्यूटी की, और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का काजल, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा मेकअप जो है अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसे मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और गाइज़ ये बिल्कुल फ्री है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।